चौहान देखेंगे आज की खास खबर। घटना महाराजपुर थाना अंतर्गत ग्राम फुलारी की है, जहां पर एक किसान ने अपने खेत में पेड़ पर लटक कर जान दे दी है। ग्राम फुलारी से उस समय सन्नाटा छा गया जब हरकू पटेल की उसके ही खेत पर पेड़ से लाश लटकी हुई मिली। बताया जा रहा है हक्कू पटेल रोज की तरह अपने खेत पर गया था, हालांकि आत्महत्या की कोई वजह सामने नहीं आई। मौके पर पुलिस ने पंचनामा बनाकर पीएम के लिए परिवारजनों को सौंप दिया। आनंद प्रकाश पटेल, आज अब इस दुख की घड़ी में आप क्या कहना चाहते हैं? आप यहाँ के सरपंच हैं, किसान आदमी, उसके बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, शादी है, बच्ची है, उसको राहत दे सरकार। किस तरीके का इंसान थे ये? इंसान बहुत बढ़िया था, बहुत सारी सज्जन था, गरीबी हालत भली थी लेकिन बहुत साफ था, लेकिन वो किस कारण एक पता नहीं है किस कारण से फांसी लगा ली खेत पर, कर्जा था या नहीं था या पैसा कितने का तकलीफ थी उसको, किस सोच से उसने अपनी आत्महत्या कर ली। आज दिनांक 21/12/19 को फरियादी उसका लल्लू पटेल, पिता हल्लू पटेल, निवासी फुलाई ने थाना का रिपोर्ट की कि उसका भाई हक्कू उर्फ परमलाल सनोब हल्लू पटेल उम्र 42 साल ने अपने कैथी वाले पेड़ की डाल में कैथी वाले खेत की मेड़ पर लगे चिल्ला के पेड़ की डाल में रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसकी रिपोर्ट पर थाना पर मरकमा 52/19 धारा 174 जब्ता फौजदारी कायम किया जाकर मौके पर जाकर मृतक हक्कू पटेल के शव का पंचनामा लिया गया एवं उसका पीएम कराया गया है। बाद प्राप्त पीएम रिपोर्ट जैसी सूरत होगी कार्रवाई अग्रिम की जाएगी। उसकी उम्र मृतक की उम्र 42 साल थी। वजह अभी खुलासा नहीं हुआ है और उसकी पत्नी और उसने अपने बच्चे को भेज दिया है दूसरे खेत में, भाई को बॉल लेने के लिए घर भेज दिया और उसने मोटर अपने खेत में कैथी वाले खेत में मोटर विद्युत चालू करके और सिंचाई कर रहा था। अब उसकी पत्नी थोड़ी दूर खेत से गई, पता नहीं क्या दिमाग में बात थी, उसने फांसी लगा ली।